नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ल बारे में। दोस्तों आपका स्वागत है। SBI दे रहा बिना किसी डॉक्यूमेंट के 50,000 का लोन, वह भी सिर्फ 3 मिनट में। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोटे कारोबारियों के लिए 50,000 तक का लोन सिर्फ 3 मिनट में दे रहा है। SBI के किसी ब्रांच में गए बगैर ई मुद्रा लोन आपके घर बैठे मिलेगा, वह भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के। जाने ई मुद्रा लोन का आवेदन करने का तरीका। यह लोन लघु एवं माइक्रो उद्यमी के लिए है। इसमें SBI का कम से कम 6 महीने पुराना चालू खाता या बचत खाता धारक होना चाहिए। अधिकतम लोन जो दिया जाता है वह 1 लाख तक दिया जाता है। लोन की अवधि 5 साल के लिए दिया जाएगा। बैंक के पात्रता मापदंडों के अनुसार 50,000 का लोन तुरंत दिया जाएगा और 50,000 से अधिक लोन के लिए आपको शाखा में जाना पड़ेगा। 50,000 से ऊपर लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में। चालू खाता संख्या चाहिए, चालू खाता या बचत खाता जो भी है उसका खाता नंबर चाहिए। व्यावसायिक प्रमाण पत्र चाहिए, UIDAI आधार संख्या खाते के साथ जुड़ा होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अपलोड के लिए अन्य विवरण जैसे GST नंबर, उद्योग का आधार चाहिए, GST दुकान एवं स्थापना का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज चाहिए। 50,000 से 1 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदक को उस शाखा में जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी है जहां उसका SBI चालू खाता या बचत खाता है। औपचारिकताएं पूरी होने पर आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा जिसके आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा, जैसे ई मुद्रा पोर्टल में जाकर खाता खोलना या ऋण का संवितरण। लोन के स्वीकृत होने के SMS प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे का हस्तांतरण हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।